पहले ही इसने वार्निंग दे दी मुझे। जितनी आप लोगों की घर में लड़ाई होती है हमारी भी उतनी ही होती है। मैं पहाड़, मेरा झुमका पहाड़। मुझे हमेशा इरिटेट करता है इसको पेंटिंग का पी भी नहीं आता गाइस। अरे मुझे देखकर ही प्यास हो गया था। यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग फॉर यू। Hi guys, it's Shivangi. Welcome to my channel. So today I have Karish with me and I'm so main kya I nahi, we are super excited. Because last video mein aapne itna pyar diya Instagram pe, hum jo bhi post dal rahe hain humse related usme aap log itna zyada support kar rahe ho, itne badhiya views aa rahe hain, itna acche se aap engage kar rahe ho. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Main literally jab maine dala tha I was not expecting, matlab mujhe aisa laga tha ki ha log ko acha lagega, but itna zyada aap log pyar denge wo unexpected tha. Yeah, it was definitely unexpected aur aap logon ne बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, कांग्रेचुलेट किया है, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ देम। काफी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं पूछ लिए थे। आज की वीडियो के लिए भी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। टाइटल में देख के आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो किस चीज के रिगार्डिंग है, एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स। बट You don't know what is coming for you. मैं आप लोग के सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करी थी। आप में से मेजरली लोगों ने ऑफ कोर्स शादी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। मैंने आपने ये पूछा हुआ है कि कनिष्क की नेगेटिव आदतें बताओ, जिनको बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड। Are you serious? Yes. सोशल मीडिया में आई गेस हर कपल इतना ज्यादा फैंसी लगता है, सब कुछ इतना लवी डवी, एवरीथिंग पॉजिटिव लगता है, सो दे शुड आल्सो नो ना रियलिटी में भैया जितनी आप लोगों की घर में लड़ाई होती है हमारी भी उतनी ही होती है। इट इज जितना प्यार होता है उतनी लड़ाई भी होती है, कभी कभी इससे ज्यादा भी होती है। हर इमोशन जरूरी भी है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कनिष्क पहाड़ी। आप में से जिन लोगों को नहीं पता है मैं पहाड़ी हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। तू मेरे को इससे गाना याद है, मैं पहाड़ मेरा झुमका पहाड़। तो हम हम लिटरली सगाई के लिए डांस प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे थे, गाने नोट डाउन कर रहे थे, उसके बीच में हमें लगा ये गाना कर रहे थे तो सुना था। यस यस यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। बट हम इस गाने में डांस नहीं करने वाले। हां डेफिनेटली, बट ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, आपको ऐसा क्यों लगता है मैं पहाड़ी हूँ? देखो शक्ल से तो ये भी नहीं लगता है कि मैं भी नहीं लगती हूँ। आई एम अ मारवाड़ी, मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर शहर से हूँ। द बेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू हेट अबाउट ईच अदर। तो पहले कनिष्क बात करेगा, अगर तूने ज्यादा बुराई करी तो देखियो। ये कहाँ फंस गया भाई, मैं भाई ये क्या हो रहा है यार, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहले ही इसने वार्निंग दे दी मुझे। व्हाट आई हेट अबाउट यू, मुझे पता है कुछ गंदा बोलेगा। आई बिलीव हर पेशेंस लेवल बहुत क्योंकि अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारी बहुत लड़ाई हुई है, इसीलिए ये बोल रहा है। आई बिलीव यू शुड एग्री टू दैट। थोड़ा इसका थोड़ा पेशेंस कम कंपैरेटिव, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा बेटा। जो इंसान पेंटिंग करता है ना तीन तीन दिन लगा के, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शनल पेंटर है हमारे यहाँ पे, ये पेशेंट होता है जब ये उसमें काम कर रहा है। बट अदर देन दैट रियल लाइफ थोड़ी क्या है, मैं आ ठीक है मान रही हूँ भाई, नहीं है पेशेंस में। कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक थोड़ी स्टार्ट करना है। हाँ राइट, नाउ इट्स योर टर्न। या तेरी नेगेटिव वाली सोच के भाई, नहीं बहुत सारी ऐसा बन यार, कौन सी वाली अभी बताओ। चल ऐसा कर, टू बी ऑनेस्ट पांच बता। नहीं अभी मेरा मन नहीं कर रहा। साइकोलॉजिकल टेस्ट हैंड टू हैंड हो गया है। नहीं तो मेरे को इसकी एक गंदी आदत ये लगती है कि आई थिंक मुझे इसकी ईटिंग हैबिट्स नहीं पसंद। तलावा खाना, तलावा मैंने क्या क्या खा लिया आज हम सुबह से है। कल तो मैंने स्प्रिंग रोल्स ऑर्डर करे थे, बट एनीवे इसके लिए किए थे, इसके लिए किए थे। आई डोंट लाइक हिज ईटिंग हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आर यू गाइस गेटिंग मैरिड। डेट हम अभी नहीं बता सकते, बट आप लोग गेस करो। चलो गेस करो सर, एंड देखते हैं कौन सही गेस करता है। एंड इसी के साथ साथ जो हमने लास्ट वीडियो में आप लोग को गेस करने के लिए बोला था, उससे भी काफी रिलेटेड क्वेश्चंस है कि हम कितने टाइम से साथ में हैं, कितने इयर्स हमें साथ में हो चुके हैं। तो फाइनली मेरे कजन भी एकदम कैमरे के पीछे बैठे हैं, वो भी एकदम एक्साइटेड जाने के लिए, क्योंकि वो इतने दिनों से पूछे कि प्लीज बता दो कीशा दीदी, क्योंकि मेरा घर का नाम कीशा है। कितने साल से करो, छह साल हो गए ना आपको, इतने साल में बोल रही नहीं, तो बोलिए हमें तो बता दो। एंड लाइक वीडियो में ही पता चलेगा कितने साल से। 7 years से we are together, but 8 years हो गए हमें बात करते करते। हाँ, जिन जिन लोगों ने 7 years guess किया था, you guys are 100% right. Another question is, will you change after marriage? तू बता, will you? Do you think I'll change after नहीं, marriage? I don't think so. ये बिल्कुल नहीं change होगी। ये मुझे surety है। मेरे यहाँ पे कहते हैं शायद मैं change हो जाऊँगा, but मुझे लगता है मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा मैं नहीं बदलूँगा। हाँ। और नहीं बदलना is good यार, क्योंकि आप जैसे हो वैसे हो। मतलब change in a good way is good. इसने मुझे वैसे ही accept किया, मैंने इसको वैसे ही accept किया as we were. अब तो यार इतने साल हो गए हैं साथ में कि हमें एक दूसरे की इतनी negative आदतें भी पता है कि अब ऐसा हो गया, हाँ ना ठीक है। ऐसा तो नहीं था, पॉजिटिव कम लगने लगती है और नेगेटिव ज्यादा। ऐसा भी नहीं है यार, जो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, इसीलिए साथ में रहता है इंसान पॉजिटिव को देख के। एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो क्या फ्यूचर प्लान्स है यार, शादी करना हमारा फ्यूचर प्लान है अभी सबसे बड़ा और लिस्ट में सबसे पहला। सबसे पहला, सो आई थिंक अभी वी विल स्टिक टू दैट, एंड उसके बाद लेट्स सी क्या होता है, क्या
कहाँ होता है, कैसे होता है, आगे की चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, विच इज, क्या कनिष्क भैया आपको कभी इरिटेट करते हैं? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, डू नॉट मिस दिस क्वेश्चन। ये मुझे कितना इरिटेट करता है आप सोच नहीं सकते। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे देना चाहिए, इनको देना चाहिए? हाँ, चल बता, बता। आप बताओ, तुझे लगता है तुझे ज्यादा इरिटेट करते हो? ये फंस गया सी है। वेरी गुड। इट वाज एट दिस मोमेंट दैट ही न्यू ही फक्ड अप। ये मुझे हमेशा इरिटेट करता है भाई, मुझे इसकी हर चीज इरिटेटिंग लगती है। ले, क्या इस बीमारी का कोई नाम है? हाँ। क्या इसका कोई इलाज है? इसका इसका इलाज है, तुझे परसों बताया था क्या है? गंदी बात माना है। पर वो गलत है। YouTube चैनल शुरू किया था तब हम साथ में ही थे, एंड कैसा वैसे You should tell na. तो बताना। I believe I was supportive और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि she is doing something और आप लोगों को पता ही है कि इसने what was the inspirational story behind it. COVID था, मैं घर पे बहुत ज़्यादा bore हो गई थी and उस time पे मम्मा ने तो मुझे बहुत ज़्यादा support किया ही था, मेरे parents ने बहुत ज़्यादा support किया ही था, but साथ में कनिष्क was there to support me a lot and मैंने ये पहली video में भी बोला हुआ है कि मेरा जो confidence है वो बहुत ज़्यादा कनिष्क की वजह से boost हुआ है life में in general. So मुझे याद है उस time पे मेरे subscribers तो थे ही नहीं कुछ यार, ऐसे 100 भी नहीं थे, तो कनिष्क जिस भी दुकान में जाता था अगर हम साथ में, oh my God. यार क्या करता था पता है, दुकानदार का बेबी अगर फोन पे कुछ देख रहा है बोलता फोन देना, मेरा नाम टाइप करता था, मेरी वीडियो चला के ये वाला चैनल देखो, ये वाला चैनल सबसे अच्छा है, मेरे को शर्म आ जाती थी, इतने में बच्चा रोना शुरू क्योंकि वो कार्टून देख रहा होता था, क्योंकि उसका गाना चल रहा था वहाँ पे और यहाँ पे हाय गाइस और वो बेचारा पेंटिंग कहाँ देखेगा यार, समझ में नहीं आई यार, वो बहुत फनी होता था, कुत्ती बट मैंने ऐसे बहुत सब्सक्राइबर्स बनिएगा दिमाग। मैं इससे बहुत ज्यादा सजेशन लेती थी कि कैसी है वीडियो, ये हर चीज में लेती है। हाँ, तो मैं पब्लिक करने से पहले वीडियो हमेशा मम्मा डैडी को दिखाती थी, कनिष्क को दिखाती थी, थंबनेल्स में पूछती थी ये वाला बेटर है या ये वाला, सो ही वाज वेरी सपोर्टिव इन दैट वे, कैप्शंस वगैरह में हेल्प करता था, सेटअप करने में, यूट्यूब की टीम से कॉन्टेक्ट करने कोई दिक्कत हो गई है, टेक्निकलिटीज में ही वाज द वन हु हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। बहुत अमेजिंग जर्नी थी वो भी, और मतलब वो पार्ट बहुत फिनोमिनल हमारी लाइफ में। व्हाट वाज हिज रिएक्शन व्हेन यू हिट 1 मिलियन? यार ये बहुत ज्यादा खुश था, ऑफ कोर्स आई वाज वेटिंग फॉर दैट टाइम बट I could not feel that properly and मैं क्या बताऊँ, इसने सब कुछ मैनेज किया था 1 मिलियन की पार्टी का सब कुछ। मुझे याद है 1 मिलियन की पार्टी की स्टार्ट होने से पहले मैं इतना रोई थी क्योंकि कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो गई थी, इट वॉज जस्ट नॉट वर्किंग आउट, बट इट वॉज हिम बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग हैपेंड, बट बहुत मजा आया था एंड इट इज स्टिल अ वेरी प्राउड मोमेंट। आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब इसके शायद 6 या 7 सब्सक्राइबर्स थे, फ्रॉम दैट डे to 1 million it was a very difficult journey to be honest, aur bahut hi amazing journey bhi thi kyunki bahut kuch seekha isne bhi seekha aur isse humne bahut seekha, it was really amazing to hit that milestone jisko bada mana jata hai but hamare liye sare milestones hai, matlab each and every subscriber was a milestone for us. Mujhe abhi bhi yaad hai hum subah uthke na sabse pehle subscribers dekhte the, ye bhi karta tha yaar, aaj kitne ho gaye, refresh karta tha, bolta tha shivangi 126, और यही नहीं YouTube के वर्ल्ड में there is a lot of data that you can access. हम लोग इतना तक देखते थे कि एवरेज व्यू टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, मोनेटाइजेशन वगैरह वाज ऑलवेज सेकेंडरी, आज भी इसके लिए सेकेंडरी है, मैं नहीं जानता, ये भी नहीं जानती है, ज्यादा ध्यान नहीं देती उस चीज पे, गेटिंग दैट लव फ्रॉम ऑल यू गाइज एंड then she resonating that to you guys by making good content, aur aaj bhi hum wahi, aaj bhi iske mindset mein hi rehta hai, aap manoge nahi is video ko banane mein humne 10-15 take kiye hain, uske baad mein cancel bhi hone wali thi video abhi ke liye, not for always, but yeah she always wants the best, so I believe that was her hard work and dedication that aaj hi yahan pe hai. Uske baad kaafi log ke question hai, is Kanishk bhaiya also a designer? No guys, aisa bilkul nahi hai. I wish. I feel कि मैं शायद 10 या 15% designer बन चुका हूँगा, because she has always inspired me to become one. हो सकता है शायद future में designer बन जाए. शायद. But अभी बता दे क्या है? I am a tax expert working for US based companies और मैं उनकी tax return बना रहा हूँ. ये भी क्वेश्चन है काफी लोग का, अभी मैं गो थ्रू कर रही थी उसमें था कि क्या तुझे आर्ट एंड क्राफ्ट आता है, क्या पेंटिंग आती है, इसको पेंटिंग का पी भी नहीं आता गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, बचपन में मैं भी कैमलिन के बहुत कंपटीशन जीता हूं, बट वो फिर वो टैलेंट वहीं रह गया, मैंने उसको कहा कि कोई नहीं आता, ये बहुत गंदी ड्राइंग बनाते हैं, मैं किसी दिन आपको आर्ट चैनल में दिखा दूंगी, नहीं नहीं गजब बेइज्जती है, बट इसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, इसकी हैंड राइटिंग मुझसे बेटर है, तो आप देख लो जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसकी पेंटिंग भी अच्छी होती है, उसने प्रैक्टिस नहीं की कुछ भी, प्रैक्टिस तो नहीं यार, इतना सी तो नहीं, नहीं इसे नहीं आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, हु फेल इन लव फर्स्ट, आंसर वुड बी प्रोवाइडेड बाय शिवांगी
यहाँ पे पूरी ऑडियंस जो भी बैठी हुई है, दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड. ये वैसे क्वेश्चन नहीं ले रही है जो इसके सेंट्रिक हो. एक सेकंड, तेरे सबसे मेरे को पहले प्यार हुआ? मैंने तो उसे कुछ कहा ही नहीं. आई एम सेइंग यू टेल देम. जैसे तू सारे क्वेश्चन मेरे पे बाउंस कर रही है. बाउंस से बाउंसर हो रही है. नाउ आई हैव द फोन गाइस. आप लोगों का मजा आने वाला है. कनिष्क ऑफ कोर्स ये बोलता है कि जिस चीज में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि मैंने तो इसको देखे थे और मुझे देखकर ही प्यार हो गया था. नहीं होता. ये बोलता है मैंने जब इसे देखा था मुझे प्यार हो गया था, मैंने सोच लिया था मैं अभी इससे शादी करूंगा. यार इसमें कुछ गलत है. ये झूठ है. तनु ये पॉसिबल है? जनरली बता रहा. क्यों नहीं है पॉसिबल? पहली बार देख के ही प्यार हो गया क्या होता है? नहीं होता. वो मूवीज में होता है. आपको नहीं हुआ ना? मुझे हुआ. मुझे पता है. नहीं ये बीमारी बता दो. ये झूठ बोल रहा है. ये बीमारी मुझे हुई है. मुझे पता है इसके बारे में. नहीं. Who says sorry first? देखो जो लड़ाई करता है वही सॉरी. एक मिनट जेन्युइनली बता दे दिल पे हाथ रख के. देख मैं मानती हूँ मैं लड़ाई करती हूँ. तू कुछ कह रही थी पहले. मैं लड़ाई करती हूँ ठीक है. मैं मानती हूँ मैं झूठ नहीं बोलती. तो क्या मैं सॉरी नहीं बोलती पहले? जेन्युइनली बोलती हूँ बस. पर मैं कहता हूँ कि लड़ाई क्यों करनी जो सॉरी बोलना पड़े. तो इरिटेट क्यों करना है इंसान को जब उसको लड़ाई करनी पड़े? राइट. After marriage के बाद क्या आप YouTube continue करोगे? भाई ऐसा क्यों लगता है? क्यों मैं कोई गंदा नहीं हूँ. मैं चाहता हूँ करे, ये भी करे, मैं भी करूँ. एक क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ा था उसमें पूछा था कि क्या कनिष्क भैया आप पे कोई restrictions लगाते हैं? यार मतलब ये लगाए तो छोड़ो, मैं किसी को क्यों लगने दूंगी? मैं restrictions लगाते भी नहीं है और लगना भी नहीं चाहिए यार. Exactly. I believe it's the best जब आप खुद निकल के आते हो जो आप करते हो. तो I believe you should be honest with yourself and others. अब सबसे भयंकर question. How did you convince your parents? This is a question to you. So what happened was Kanishk as a friend introduced हुआ था मेरी family में and मेरे parents को ही पसंद था as a friend. मतलब वो ऐसे बोलते थे कितना कल्चरल लड़का है, कितना प्यारा इंसान है, कितना रिलीजियस है, कितना स्पिरिचुअल है. आज के टाइम पे कम होते हैं ऐसे लड़के जो इतने अच्छे होते हैं. ऑफकोर्स मुझे लगता है किसी से मिलते ही ना स्पेशली पेरेंट्स को वाइब आ जाती है कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है. सो मेरे पेरेंट्स को तो ये बहुत अच्छा लगता था. तो कंपैरेटिवली कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट नहीं था. बट हाँ वो ब्रेक करना आइस वाज आई थिंक अ बिट डिफिकल्ट. हाँ वो थोड़ा. बट दे लव हिम अ लॉट. मतलब उनको ये होता है कि जैसे कुछ लड़ाई हो गई तो उनको होता है कि इसी ने किया होगा यार, ये तो नहीं कर सकता. क्या बोलता है मम्मा को बता दे? ईजा. तो पहाड़ी में मम्मा को बोलता है ईजा, तो मम्मा को ईजा बोलता है. डैडी को बोलेगा ये बाजू और मैं इसकी मम्मा को बोलूंगी मासा एंड अंकल को बोलूंगी डैडी सा. नहीं बाबा सा. बाबा सा ठीक है. मेरे लिए इट वाज कंपैरेटिवली इजी बिकॉज़ मेरी फैमिली थोड़ी उस टर्म्स पे दे वर ओपन. इसने तो स्टार्टिंग में बता और दिया. मैं दादी नानी सब मैं बता रहा हूं. मेरे घर पे सबको पता था कि शी इज द वन. और ये स्टार्टिंग मैंने बताया भी बहुत स्पेशल डे पे था. मतलब 7 इयर्स पहले ही बोलते थे मैं इससे शादी करूं. मैंने बहुत स्पेशल डे पे बोला था. इट वाज दिवाली. मेरे को अभी भी याद है. मेरा अपने फादर को जो बताया था, मदर को जो बताया था. तो दिवाली हम लोगों के घर पे बहुत ही एक स्पेशल त्यौहार होता है. साल में सब वेट करते हैं. तो उस दिन मैंने बोला था. तो माय फादर वाज हैप्पी. ही वाज हैप्पी एंड ही सेड कि यार ठीक है कब करनी है, कब चीजें आगे बढ़ानी है. तब तू बच्चा था पर यार. हां तो अब सोच लो कितना पहले. मतलब राजस्थान में they were always ready to welcome with both the hands. Aur sab log, meri sister she was excited, family ke other members, my grandparents, par unko bataya tha to sabhi log bahut happy the. Matlab they were all excited for the day that's coming. Aur abhi bhi wo equally excited hai. Ab next question, jab unko bahut hi exciting lag raha hai. What was your first impression of him? Mera first impression isko leke theek hai तो बता दी. इसका नाम है कनिष्क. हाँ ये भी था. तो बट इसको प्रोनाउंसिएशन है कनिष्क ओनली. तो ऑफकोर्स जब भी इसके बारे में कोई बात होती थी मुझे लगता था कोई फीमेल फ्रेंड है ये. मैं बोला था मैंने जैसे कि ए हटा दो. पर पहले वो मुझे कन्विंस करते थे, अब मैं सबको कन्विंस करता हूं. तो दैट्स फाइन. हां ठीक है, दैट इज योर आइडेंटिटी. फिर जब मैं मिली, ये मेरे साइड में बैठा हुआ था एंड बर्थडे पार्टी थी. ऑफ कोर्स यार मेरा दिमाग नहीं था लड़कों पर. मतलब आई वाज नॉट इन. मेरा भी लड़कियों में नहीं था. बट हां वहां मिलना लिखा था तो मिल गया. हां एग्जैक्टली. तो ऐसा हुआ कि पटना जैसे हम जंगलियों की तरह पागलों की तरह हंसते जा रहे थे. ये हंसी फीमेल फ्रेंड्स ठीक है. एंड ये जो मेरी फ्रेंड थी जिसका बर्थडे था, ये उसके दूसरे फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे. एंड ये साइड में बैठा हुआ था. ही वाज द ओनली वन हु वाज इंटरैक्टिंग विद अस अच्छे से प्रॉपरली विद तमीज तहजीब रिस्पेक्ट. एंड ही वाज फनी. एटीट्यूड नहीं दिखा रहा था. बाकी जो
फ्रेंड्स थे तो हमें लगा था कि शायद थोड़ा एटीट्यूड होगा। फर्स्ट इंप्रेशन की बात हमें बाकी लगी थी कि यार कितना एटीट्यूड है, क्या समझ रहे हैं खुद को, बट ही वाज द ओनली वन जिसने बताया कितना अच्छा लड़का है ना, कितना अच्छे से बात कर रहा है। मुझे पहली बार ही में जो है लवेरिया हो गया था और मैंने इसको एक्सप्रेस किया था बहुत अर्ली टाइम पीरियड में। आई वाज सो श्योर अबाउट यू सिंस द बिगनिंग और मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझको इससे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई थी। ऑल्दो मुझे उस टाइम पे लगता था शी इज आउट ऑफ माय लीग, पता नहीं क्यों लगता था ऐसा, नहीं कह सकते। कुछ क्वालिटीज ऐसी जो एग्जैक्टली मिलती है एक गैदरिंग के अंदर, यू डेफिनेटली शो क्वालिटीज टू ईच अदर, तभी सब कहते हैं ना योर फर्स्ट इंप्रेशन वुड बी योर लास्ट इंप्रेशन, दिस इज अ सेइंग, बट सच में अगर आप उसको देखो कभी कभी अपने लाइफ इंस्टेंसेस पे तो वो सच में इंपैक्ट करते हैं। जस्ट टू समराइज इट ना, मुझे एक्चुअली उस पॉजिटिवनेस से इतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग आई थी कि आई वॉज श्योर कि ये है वो। तो कहते हैं साथ बॉलीवुड जैसा हुआ, दिल में बजी गिटार और ऐसे ऐसे। हाँ मतलब आप कर सकते हो तो लोग कहते हैं ना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, मतलब इन सब मामलों में थोड़ी सी है मेरा वर्ड यूज कर रहा है ये। एनीवे मतलब मेरे लिए थोड़ा अनबिलीवेबल है ये मानना, बट इफ यू गाइस थिंक दैट ये पॉसिबिलिटी है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। एंड विद दैट आई थिंक हमने इतना बड़बड़ करते जा रहे हैं लास्ट 20-30 मिनट से, आई थिंक नाउ वी शुड एंड दिस। आई वुड लाइक टू से अभी शायद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं भी अगर होता तो मेरे को भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सो फील फ्री टू पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज गेस करना मत भूलना कि हमारी शादी कौन से मंथ में हो रही है, बट हां हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बनाए, तो इस वजह से क्वेश्चंस खूब सारे भर भर के डालना कमेंट सेक्शन। एंड वी विल सी यू गाइस सुपर सून, बाय बाय।